Hello and welcome to Next IS. Myself Ravidat Kaushik, and I'll be discussing a very important topic. It is very important. Why I'm saying it's very important? Well, it's a very low-key topic. Yes, you heard me right. It's a low-key topic and it's an important topic. There is a very similarity. If you see the last year, previous year papers of the UPSC generally asks such kind of topics which are low-key as far as the policy framework is concerned. Ki unpe bahut zyada discussions or debates nahi ho rahe hote hain kahin par bhi. But they're important. Not just for the exam point of view, but for you as a citizen also, for you as a common man also. So, आज का जो हमारा topic है, that is mapping lightning across India. So, why it is important? As far as UPSC is concerned, अगर हम UPSC की बात करते हैं तो ये क्यों important है? It has two reasons. The number one is, it is part of your syllabus in geophysical phenomena. Just like earthquake, volcanoes, there is lightning also. It's same as the lightning is almost same as your natural hazards, just like earthquake and volcanoes. Then the second is, it is also the part of your disaster management, right? So it is important for two papers, paper 1 and paper 3. Okay, अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या, ऐसा हम इसे discuss क्यों करने जा रहे हैं. The reason is very simple, क्योंकि ये current affair में था. Current affair में क्या आया है इसके ऊपर आया है कि अभी recently एक report release हुई है. It is the first ever India's annual report which is mapping the lightning across India. ये रिपोर्ट किसने दी है, कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट हैं इसके लिए और इस रिपोर्ट में क्या है, पहले हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. तो अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या आया है, सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये रिपोर्ट पब्लिश किसने किया. दिस रिपोर्ट इज बींग पब्लिश बाय CROPSPC, दैट इज क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल, राइट. क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल. अब ये क्या है CROSPC, अगर आपको पता हो तो इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन कोलोबरेशन विद IIT दिल्ली एंड इट ऑल्सो वर्क्स वेरी क्लोजली विद द IMD. IMD इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट. सो ये पता होना चाहिए पी के हिसाब से कि ये रिपोर्ट दी किसने है. ये रिपोर्ट दी किसने है के अलावा एक और पार्ट है इसमें कि ये रिपोर्ट किस चीज का पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ अ कैंपेन. कैंपेन इज टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम लाइटनिंग. और उस कैंपेन का एग्जैक्ट अगर मैं आपको नाम बताऊं तो लाइटनिंग रेजिलियंट इंडिया कैंपेन. Lightning Resilient India Campaign. Right? So ये campaign किसके through चलाई जा रही है. एक तो हमारा जो हम already बात कर चुके हैं CROSPC, उसके अलावा इसमें Ministry of Earth Science भी है, right? Remember this कि Ministry of Earth Science is also involved in the campaign. Campaign के अंदर उसके अलावा IMD तो है ही है. So ये तीन हो गए, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी organizations और भी हैं. बट लेट इट बी, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस कैंपेन के थ्रू हमने एक पहली बार रिपोर्ट निकाली है जिसमें हम पूरे इंडिया की मैपिंग कर रहे हैं लाइटनिंग की. अब हम बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई इट इज इंपॉर्टेंट एज अ नेचुरल डिजास्टर ऑल्सो एंड इन जनरल ऑल्सो, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी. सो देर आर सम फैक्ट्स विच कैन बी यूज इन द मेन्स ऑल्सो. सो इन फैक्ट्स को आप प्लीज डू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. दीज फैक्ट्स आर वेरी सिंपल. एक तो 1/3 ऑफ द टोटल नेचुरल डेथ्स, यस 1/3 ऑफ द टोटल नेचुरल डेथ्स आर बींग कॉज ड्यू टू द लाइटनिंग ऑफ द नेचुरल नॉट नेचुरल डिजास्टर डेथ्स इफ वी टॉक अबाउट. कि इंडिया में जितने भी तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनकी वजह से जितनी भी टोटल डेथ्स होती हैं उनका 1/3 दैट इज 33% ऑफ द डेथ्स आर बींग कॉज ड्यू टू द वन नेचुरल डिजास्टर दैट इज लाइटनिंग, राइट. सो इसमें कितनी डेथ्स होती है, अराउंड 2000 to 2500 पर ईयर. एक और इसमें हम डेटा की बात करते हैं तो देर आर लाइक 42,500 डेथ्स फ्रॉम 2001 to 2018. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स दैट आर बीइंग कॉज्ड ड्यू टू द लाइटनिंग इन इंडिया, रिमेंबर इट,
राइट। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज आउट ऑफ दीज टोटल डेथ्स ओनली 4% डेथ्स आर हैज हैपेंड इन अर्बन एरियाज। सो बाकी जो 96% डेथ्स हुई है वो कहां पे हुई है? दोज हैव हैपेंड इन द रूरल एरियाज। इसे हम अभी देखेंगे कि वाई अर्बन एरियाज में डेथ्स ड्यू टू लाइटनिंग कम होती है और रूरल एरियाज में क्यों ज्यादा हो रही है। राइट, वन मोर पॉइंट दैट इज अ फैक्ट इन दिस, दैट इज कि जो हमारे सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं वो किस वजह से हैं? पीपल स्टैंडिंग अंडर द ट्री। यस, पीपल स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज, उन 71% ऑफ द पीपल हु हैव डाइड आर द पीपल हु आर जस्ट स्टैंडिंग अंडर द ट्री, मे बी एन आइसोलेटेड ट्री। उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे स्ट्राइक, लाइटनिंग को स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स। ये फैक्ट्स आपको आपके मेंस में भी काम आ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। राइट, तो आपको यहां से नीड भी समझ आ गई कि हमें ये लाइटनिंग को पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि 1/3 ऑफ द नेचुरल डेथ्स आर बीइंग कॉज्ड ड्यू टू दिस। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसे कोई भी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, नोबडी स्पेसिफाइज नेचुरल डिजास्टर एज अ, इट इज लाइटनिंग एज अ नेचुरल डिजास्टर। राइट, सो कोई भी एक्सेप्ट फॉर द फोर स्टेट्स, द फोर स्टेट्स आर बिहार, केरला, झारखंड एंड उड़ीसा। इन चार स्टेट्स के अलावा, लिविंग दीज फोर स्टेट्स असाइड, बाकी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ना और कोई स्टेट गवर्नमेंट लाइटनिंग को एज अ नेचुरल डिजास्टर नोटिफाई किया है। राइट, सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। राइट, नॉट जस्ट द स्टेट्स, कि अगर आपसे पूछा जाए कि NDMA के अंडर कौन कौन सी चीजें नेचुरल डिजास्टर में आती हैं, अब वहां पे ऑप्शन हो सकता है अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड देर कैन बी एन ऑप्शन लाइटनिंग, जो कि गलत होगा क्योंकि लाइटनिंग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया एज अ नेचुरल डिजास्टर। राइट, फिर इसमें कुछ और चीजें हैं जैसे कि लाइटनिंग हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर। राइट, लाइटनिंग हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या हो गया कि लाइटनिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है, जहाँ सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो अगर मैं लाइटनिंग हॉटस्पॉट्स की बात करता हूँ, सो अभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, जियो फिजिकल वाला पार्ट हम इसके बाद कवर करेंगे। राइट, सो देर आर टू मेजर हॉटस्पॉट्स, वन इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द अदर इज छोटा नागपुर प्लेटू। यहां पे बेसिकली आपके दो रीजन है, उड़ीसा एंड झारखंड। सो अगर आप, इफ यू डोंट नो, देर इज वन मोर फैक्ट आई गिव यू कि यूपी में सबसे ज्यादा डेथ हुई है ड्यू टू लाइटनिंग, और सबसे कम जहां पे लाइटनिंग स्ट्राइक की है दैट प्लेस इज सिक्किम, और सबसे ज्यादा लाइटनिंग जहां पे स्ट्राइक की है पूरे साल के अंदर, हम बात कर रहे हैं 2019 जब से इन्होंने स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2020। राइट, सो इस पूरे ईयर में जब हम बात करते हैं, नॉट 31 दिसंबर, इट वॉज 31 मार्च 2020, एक साल हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। राइट, सो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइक्स की अगर हम बात करें, लाइटनिंग ने कहां पे सबसे ज्यादा स्ट्राइक किए हैं, दैट इज यूपी। सबसे ज्यादा डेथ कहां पे हुई है, दैट इज ऑल्सो यूपी। उसके अलावा सबसे कम स्ट्राइक्स कहां पे हुई है, दैट इज सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। राइट, इट इज नॉट दोज सेवन सिस्टर्स। वैसे हमारा जो सबसे, अगर हम लाइटनिंग हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो हैं, नॉर्थ ईस्ट और छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब सबसे ज्यादा डेथ्स कहां पे होती हैं लाइटनिंग की वजह से, दैट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू के ट्राइबल एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड। अब यहाँ पे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन कि सबसे ज्यादा डेथ्स उड़ीसा और झारखंड के ट्राइबल एरियाज में हो रही है? देर आर मैनी रीजंस। द फर्स्ट इज लाइवलीहुड, जो इनका लाइवलीहुड है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट, लाइक दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, फिशिंग एंड बेसिकली इट्स अ आउटडोर लाइवलीहुड। सो आउटडोर लाइवलीहुड है, एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा, दीज प्लेसेज आर पॉवर्टी रिडन। सो व्हाट डज दैट मीन, पॉवर्टी रिडन होने की वजह से जो इनका रहने का स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर द हाउसेज दे आर लिविंग इन, दे आर टिन बेस्ड, दे हैव टिन रूफ्स। सो टिन रूफ्स की वजह से क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग लाइटनिंग स्ट्राइकिंग देयर हाउसेज इज इंक्रीज्ड। राइट, द अदर थिंग इज बिकॉज ऑफ द माइनिंग इन दीज एरियाज। What does mining has done? Mining has increased the chances of lightning in those areas.
लेकिन इसी में अगर मैं आपको दो केस स्टडी देता हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मतलब आप कहीं पे उन्हें मीन्स में भी यूज कर सकते हैं इन जनरल, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी आप यूज कर सकते हैं कि हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग। सो अभी आपने देखा कि मैंने बताया कि इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स होती हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग प्रोन भी हैं और उनकी डेथ्स भी होती हैं। लेकिन अगर मैं उन दो केस स्टडी की बात करूँ, क्या है उन दो केस स्टडी में, दोज आर वेरी सिंपल कि हमारे यहाँ पे अभी उड़ीसा में फैनी आया था मार्च में, राइट? सो इट वॉज अ साइक्लोन, उसके अंदर देर वर अराउंड 1 लाख लाइटनिंग इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द साइक्लोन फैनी, देर वर अराउंड 1 लाख लाइटनिंग इंसिडेंट्स, बट देर वॉज जीरो कैजुअलिटीज ड्यू टू फैनी और ड्यू टू लाइटनिंग। उसका रीजन क्या था कि जितने भी शेल्टर होम्स बनाए गए थे उस साइक्लोन से बचने के लिए, देर वर 89 शेल्टर होम्स दैट हैज बीन बिल्ट आई गेस, और उन शेल्टर होम्स के सबके ऊपर देर वॉज अ लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस, लाइटनिंग कैचर एक तरीके से बोल सकते हो। क्या होता है, एक लंबा सा पोल लगा देते हैं, उसे हम डायरेक्टली अर्थ के साथ ग्राउंड कर देते हैं। सो लाइटनिंग स्ट्राइक्स दैट पोल एंड गोज डाउन टू द अर्थ, अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वो उसे कंज्यूम कर लेता है। सो उसकी वजह से कोई भी डेथ नहीं हुई। सेकेंड, जहाँ पे सबसे ज्यादा डेथ हुई, जिसकी वजह से न्यूज में था काफी ज्यादा लास्ट अप्रैल में, अगर आपने देखा हो, द रीजन वॉज इन द ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, देर वॉर लाइटनिंग इंसिडेंट्स इन द 12-11 स्टेट्स, इन दोज 11 स्टेट्स देर वर टोटल 89 डेथ्स, यस देर वर टोटल 89 डेथ्स इन दोज स्टेट्स इन द मंथ ऑफ जस्ट अप्रैल, इन जस्ट फ्यू डेज, 4 to 5 डेज। सो वो क्यों हुई थी, बिकॉज दोज पीपल वर कॉट अनअवेयर, दोज पीपल वर नॉट रेडी फॉर द लाइटनिंग, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पे लाइटनिंग होने वाली है एंड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, उसकी वजह से वहाँ पे टोटल 89 डेथ्स हुई, राइट? सो दीज आर द टू ड्रास्टिक चेंजेस यू कैन सी कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है वहाँ पे भी हम जीरो केसेस के साथ निकल के आ गए, और जहाँ पे बिल्कुल भी लाइटनिंग हमें मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था और जहाँ पे बहुत थोड़ी लाइटनिंग हुई एज कम्पेयर टू अगर उड़ीसा में कुछ दो दिन के अंदर टोटल अगर 1 लाख लाइटनिंग के केसेस हुए वहाँ पे एज कम्पेयर टू वेरी लो नंबर ऑफ लाइटनिंग्स हैपेंड ड्यूरिंग द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एंड देयर वर 89 डेथ्स, राइट? सो यू कैन सी द रीजन, वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ द अनअवेयरनेस, राइट? उसमें अगर आप उसमें इस रिपोर्ट में उनके बारे में भी थोड़ा सा डेटा मेंशनड है, ऑल्दो यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, बट जस्ट टू सब्सटेंशिएट माय फाइंडिंग्स दैट आई एम टेलिंग हियर और द रिपोर्ट्स फाइंडिंग, जो 78% डेथ्स हुई थी दोज वर ड्यू टू द पीपल स्टैंडिंग बिलो अ आइसोलेटेड ट्री। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हायर स्ट्रक्चर होगा ग्राउंड के ऊपर, लाइटनिंग फर्स्ट गोज टू दैट स्ट्रक्चर एंड स्ट्राइक्स, राइट? बिकॉज व्हाई डज इट दैट हैपन, क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एयर अगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइट ट्राइज टू फाइंड द बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट इट कैन ट्रेवल फास्टर। सो इट ट्राइज टू फाइंड अ एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट दैट इज टॉलर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। ये अभी हम बात करेंगे जब हम जियोफिजिकल फिनोमेना पढ़ेंगे, तो ये दोनों केस स्टडीज आपको, जस्ट डू रिमेंबर दीज टू केस स्टडीज, दे कैन बी यूज इन योर पेपर, राइट? फिर अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, व्हाट आर द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन, सबसे पहला स्टेप तो है कि दे आर नाउ मैपिंग द लाइटनिंग। सेकेंड स्टेप क्या है, दे हैव स्टार्टेड टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन वाया एप्स, सो दे हैव मेड सम एप्स लाइक दामिनी एंड मौसम, दीज आर द एप्स बाय IMD, और इनमें क्या है कि दे आर जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन जहां पे लाइटनिंग स्ट्राइक होने वाली होती है उससे पहले ही दे स्टार्टेड टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन, दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन बिफोर लाइटनिंग सो दैट पीपल आर अवेयर एंड पीपल कैन go in their houses or use the protective devices. Other things that government has done, government has basically used the dynamic system of lightning telecast. इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली IMD कैन ब्रॉडकास्ट द और फोरकास्ट द लाइटनिंग इंसिडेंट्स इवन बिफोर 24 आवर्स एंड 48 आवर्स बिफोर। और दूसरा क्या हो रहा है, हमें मैपिंग करने से क्या फायदा होगा, यू कैन ऑल्सो राइट द बेनिफिट्स ओवर हियर, कि हमें मैपिंग करने का क्या फायदा हो रहा है, मैपिंग करने से क्या फायदा होगा। जनरली क्या है कि लाइटनिंग जो है वो एक ही तरीके से
एक ही तरीके से हर बार लाइटनिंग स्ट्राइक कर दिए किसी एक फिक्स रीजन में, यू विल सी कि जनरली देयर इज अ ट्रेंड कि यहाँ पे इससे इस मंथ के बीच में, फ्रॉम दिस मंथ टू दिस मंथ, दीज मेनी लाइटनिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड देर आर सर्कमस्टेंसेज कि किन किन सर्कमस्टेंसेज पे लाइटनिंग होगी. सो व्हेन वी आर मैपिंग दोज लाइटनिंग, सो वी आर, व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कौन सा एरिया एक तो कितना प्रोन है लाइटनिंग के लिए, सेकंड वी आर चेकिंग कि ये कितना वनरेबल है. प्रोन तो एक हो गया कि लाइटनिंग होगी, दूसरा है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो कितने वनरेबल हैं, उनकी डेथ्स कितनी होंगी. सो वी आर ऑल्सो काउंटिंग द डेथ्स ओवर दैट प्लेस. सो उसकी वजह से हम एक पूरा एटलस टाइप इनका तैयार कर सकते हैं और हम वहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. सो देर कैन बी प्रॉपर अवेयरनेस दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. सो इट्स अ वेरी बिग स्टेप, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दिस रिपोर्ट टूडे, राइट. सो दीज आर द फ्यू थ्री स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन. देन वी विल टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट को और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, what can be the way forward if we talk about. So what can be the way forward, first is jo maine aapko pehle bataya, notify lightning as natural disaster both by central government and state government, right. So this is the फर्स्ट प्रीरिक्विजिट. इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही वो इसे नोटिफाई करेंगे एज अ नेचुरल डिजास्टर, देन देर विल बी प्रॉपर गाइडलाइंस एंड द प्रॉपर मैकेनिज्म टू फाइट लाइटनिंग ऑल्सो, जस्ट लाइक कि कहीं पे अर्थक्वेक आया, कहीं पे फ्लड्स आए या कहीं पे सुनामी आया. सो वी हैव अ प्रॉपर गाइडलाइन नाउ, वी नो कि देर आर डेजिग्नेटेड टीम्स टू वर्क ऑन दैट, देर इज अ प्रॉपर वे टू डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, राइट. सो दिस इज वॉट इज वट विल हैपन अगर हम इसे नोटिफाई करते हैं एज अ नेचुरल डिजास्टर विच इज नॉट येट डन. And still it is taking one third of the lives that are being caused due to the natural hazards, right. Second is last mile delivery of the information or the forecasting that is being done. Why this point is over here? Kyunki is report mein hi ye mentioned kiya gaya tha ki most of the deaths are due to lack of last mile connectivity or last mile dissemination of the information. IMD, जो अभी हमने देखा कि steps taken by IMD, IMD is doing whatever they can. वो तीन घंटे पहले, तीन घंटे तक continuous आपको warnings भेजते हैं. They have color coded the warnings कि कुछ warnings 24 hours पहले जाएंगी, कुछ warnings 48 hours पहले जाएंगी. They have decided the areas, they have already found out the areas कि कहाँ पे कौन सी warning कब भेजनी है related to the lightning. बट हो क्या रहा है कि देर आर नो अर्बन डेथ्स, एज वी आर टॉकिंग अबाउट कि देर आर ओनली 4% ऑफ द पीपल इन द अर्बन एरिया दैट हैज डाइड ड्यू टू लाइटनिंग. मोस्ट ऑफ द डेथ्स आर इन द रूरल एरिया एंड दोज आर द पीपल हु वर कॉट अनअवेयर वर्किंग इन द फील्ड्स, लाइक 21% ऑफ द पीपल हु हैव हिट बाय द लाइटनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे वर वर्किंग इन द फील्ड्स, राइट. सो सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि वहां तक अभी तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है इन्फॉर्मेशन की. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर demand that is put in the report or the required right now. Then there is a need for key creation of database. As we have seen कि अभी ये this is the first annual report, so it will take some time कि हमें बार बार से mapping करनी पड़ेगी और एक proper database बनाना पड़ेगा, and that database should be shared with the respective state governments and the central government so that the state governments can take effective actions against the natural disaster that is lightning, right. Then we have the timely dissemination of information. Sometimes there is a delay in the dissemination of information and it doesn't reach to the people in time, so timely dissemination of information. Right. Then the last point is what we required is community centric approach. What can be done at the community level? What can be the community centric approaches in this? Basically, see if you see कि होता क्या है lightning के लिए, you first of all you need to create an awareness. Second, जो lightning हमारे lightning catchers या lightning protection devices हैं, they are not that costly thing. What is the problem is कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं which are prone to the lightning areas, they don't know about this natural disaster can create that much of harm,
राइट, सो दे आर नॉट पुटिंग दैट एफर्ट टू राइज अ पोल इन द हाउस और समथिंग लाइक दैट, या बिल्डिंग्स के ऊपर हम लोग अभी भी बहुत कम जगहों पे आपने देखा होगा कि लाइटनिंग कैचर्स लगाए जाते हैं या लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस लगाए जाते हैं, विच इज जस्ट अ पोल विच इज ग्राउंडेड ऑन द अर्थ, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी फास्ट ट्रैक्ड यूजिंग द कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच। अगर आप गाँव में उन विलेजेस में जाके उन गाँव में जाके उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करें और वहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे डिसाइड किया जाए कि हमारे गाँव में जो भी ऊंची जगह हैं जहाँ पे लाइटनिंग बार बार स्ट्राइक करती है वहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, उन लोगों को घर जिनके यहाँ पे टीन रूफ हाउसेज हैं उन्हें चेंज किया जाए सो दैट दे आर लेस प्रोन टू द लाइटनिंग, राइट? सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स दैट शुड बी टेकन। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है लाइटनिंग का। फर्स्ट पार्ट में क्या हमने कवर किया, पहले तो हमने ये देखा कि हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। सेकंड, हमने डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट को कवर किया है। तो हमने क्या देखा, व्हाट इज द नीड टू डू द मैपिंग ऑफ दिस, हाउ लाइटनिंग इज इम्पैक्टिंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल। इसमें आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी जोड़ सकते हो। देर वॉज अ केस जहाँ पे गुजरात में देर वॉज अ पावर प्लांट और समथिंग, सो वहाँ पे लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया था एंड विच क्रिएटेड फायर इन दैट बिल्डिंग, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था। तो देर कैन बी इकोनॉमिक लॉसेज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, राइट? देन नेचुरल डिजास्टर है, वो तो हमने देख ही लिया है। फिर हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या क्या ले लिए हैं। लास्ट हमने देखा कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो कि इट इज एक्टिंग एज अ वे फॉरवर्ड, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स आपको निकल के आ गए डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज बात करते हैं दैट इज द जियो फिजिकल पार्ट ऑफ इट, कि होता क्या है लाइटनिंग की। अगर हम बात करें जियो फिजिकल में, तो लाइटनिंग की सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वी हैव नाउ रीच टू द ज्योग्राफी पार्ट। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बहुत ही बेसिक सी है। इट इज़ द वास्ट और वेरी मैसिव और रैपिड, वेरी वास्ट और यू कैन से मैसिव, वेट, सो इट इज़ बेसिकली, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इट्स अ वेरी रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। जो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज लाइटनिंग, यू कैन से लाइटनिंग इज द वेरी रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टुवर्ड्स द अर्थ। ऑल्दो इट इज नॉट जस्ट अर्थ, देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ लाइटनिंग, वी विल डिस्कस इट राइट नाउ, सो डोंट वरी। सो अब हम लाइटनिंग की प्रोसेस की बात करते हैं कि लाइटनिंग क्रिएट कैसे होती है, और ये हमने एक बेसिक सी डेफिनेशन देख ली लाइटनिंग की। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइटनिंग। द वन इज इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, जो कि मतलब कि एक ही क्लाउड के अंदर होती है। सेकंड, इंटर क्लाउड लाइटनिंग, सो इट इज लाइटनिंग बिटवीन द टू क्लाउड्स। एंड द थर्ड इज क्लाउड अर्थ लाइटनिंग, बेसिकली इट इज बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ। सो लाइटनिंग जनरली, अब हम अगर इसके बेसिक्स में जाते हैं, तो लाइटनिंग कहां पे होती है, बेसिकली जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, द क्लाउड्स दैट आर जनरली 10 to 12 kilometers इन हाइट, 10 to 12 kilometers टॉल जो क्लाउड्स होते हैं उनमें ही लाइटनिंग स्टार्ट होती है, राइट? सो इसका बेसिक अगर फिनोमिना देखें हम, तो बेसिक फिनोमिना इज वेरी सिंपल। दीज आर द टॉल क्लाउड्स, दीज क्लाउड्स आर जनरली 1 to 2 kilometers अबव द अर्थ सर्फेस, राइट? दिस इज द अर्थ सरफेस। अब इन क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, इन क्लाउड्स के अंदर जो हमारी एयर होती है, द एयर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट गोइंग राइजिंग अप, राइट? सो द क्लाउड्स आर एट हाइट ऑफ 10 to 12 kilometers, दिस इज द हाइट ऑफ अ क्लाउड। सो जो ऊपर टेम्परेचर होता है दैट रीचेज अराउंड -35 to -40 degrees Celsius। द टेम्परेचर अबव द क्लाउड इज लाइक -35 to -40 degrees Celsius। सो द एयर स्टार्ट राइजिंग इन द क्लाउड, उससे क्या होता है, एयर जैसे जैसे ऊपर जाएगी इट स्टार्ट कंडेंसिंग। सो पहले वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगी, राइट? एंड अ मैसिव हीट इज लॉस्ड इन दिस प्रोसेस। सो मैसिव हीट इज लॉस इन दिस प्रोसेस एज द एयर
स्टार्टेड टू कंडेंस. सो एयर कंडेंस होते होते जैसे ही 0 डिग्री के टेम्परेचर पे पहुंचेगी उसके बाद इट द वाटर ड्रॉपलेट्स चेंजेस इनटू द आइस क्रिस्टल्स, स्मॉल आइस क्रिस्टल्स. एंड दिस हीट दैट इज बीइंग जनरेटेड ड्यू टू द कंडेंसेशन प्रोसेस इट कीप्स फोर्सिंग द एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स इवन द आइस मॉलिक्यूल्स टू द अपवर्ड साइड, राइट. सो ये आइस मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव करते हैं, जो छोटे आइस मॉलिक्यूल बन गए यहाँ पे, मान लो कि आप 0 डिग्री पे पहुंच गए थे, इसके बाद आइस मॉलिक्यूल आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए. सो ये और ऊपर जाते रहते हैं एंड द साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो आफ्टर अ सर्टेन हाइट यहाँ पे जाके ये कुछ बड़े बड़े आइस मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. उसके बाद द वेट इंक्रीजेस एंड दीज बिगर आइस मॉलिक्यूल्स स्टार्ट डिसेंडिंग. बट नीचे से छोटे आइस मॉलिक्यूल्स भी आ रहे होते हैं, राइट. सो दीज आर द स्मॉल आइस मॉलिक्यूल्स दैट आर स्टिल गोइंग अप बिकॉज ऑफ द मैसिव हीट, उसकी वजह से इन्हें अपवर्ड फ्लो मिला हुआ है. सो क्या होता है, ये दोनों कोलाइड करते हैं एंड व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ कोलिजन, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज. जब ये दोनों कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, राइट. इसके कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करने लगते हैं और इट क्रिएट्स अ चेन रिएक्शन, उसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड अ चार्ज इज बीइंग क्रिएटेड, राइट. सो ये आइस पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है. उसकी वजह से क्या होता है कि क्लाउड के ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और नीचे वाले पोर्शन में नेगेटिव चार्ज हो जाता है, राइट. देयर इज अ ह्यूज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, कैन यू बिलीव इट, इट इज अराउंड 1 बिलियन टू 100 बिलियन. दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड. उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ, ये फिल करने की कोशिश करता है वापस, न्यूट्रलाइज करने की. देयर इज अ न्यूट्रल जोन हियर. सो उस न्यूट्रल जोन में ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने शुरू कर देते हैं. जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करना शुरू करता है तो वहां पे करंट जनरेट होता है. करंट इज ऑफ द सॉरी करंट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 लाख टू 10 मिलियन वोल्ट. यस, 1 लाख टू 10 मिलियन एम्पेयर. दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग. इस करंट के यहाँ पे फ्लो होने की वजह से क्या होता है, देयर इज अ एयर इन दिस, दिस एयर गेट्स हीटेड, दिस एयर गेट्स हीटेड. इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब कई बार क्लाउड्स के अंदर लाइटनिंग होती है तो हमें रेड कलर स्काई दिखती है. दिस रेड कलर इज ड्यू टू द हीटिंग ऑफ दिस एयर, हीटिंग ऑफ द एयर ट्यूब दैट इज फॉर्म्ड ओवर हियर. उसके अलावा क्या होता है, ये एयर ट्यूब एक्सपेंड होना स्टार्ट होती है, राइट. दिस एयर ट्यूब स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग और जैसे ही वो एक्सपेंड होती है तो थंडरस्टॉर्म्स आर क्रिएटेड. जैसे ही ये एयर ट्यूब एक्सपेंड होती है एंड इट ब्लास्ट, इट क्रिएट्स थंडरस्टॉर्म जो आपको एज अ साउंड वेव की तरह सुनाई देते हैं जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, राइट. तो ये तो आपने देखी कि अगर एक क्लाउड के अंदर ये प्रोसेस हो रही है तो बेसिकली क्या प्रोसेस हो रही है लाइटनिंग की. इसके बाद होता क्या है कि ये तो हो गया इंट्रा क्लाउड, यहाँ पे हमने देखा लाइटनिंग कैसे कर रही है. देन ऐसे ही अगर दो क्लाउड होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, एक और क्लाउड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे नीचे नेगेटिव चार्ज हो गया, राइट. सो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अगेन देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उसकी वजह से यहाँ पे लाइटनिंग होगी. दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ लाइटनिंग, दैट इज अवर इंटर क्लाउड लाइटनिंग. इसके अलावा जो थर्ड वाली लाइटनिंग है दैट इज द विच इज डेंजरस फॉर अस द पीपल हु आर लिविंग ऑन द अर्थ, वो है हमारी बिटवीन द अर्थ एंड द क्लाउड. अब इसमें क्या होता है, आपको पता है अर्थ इज बेसिकली वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज न्यूट्रल एट द सर्फेस. लेकिन ये जो है कि न्यूट्रल होने के बाद भी इट इज स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज एज कंपेयर टू द लेयर दैट इज फॉर्म्ड इन द मिडल ऑफ द क्लाउड. सो उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ लाइटनिंग स्ट्राइक ओवर द अर्थ, राइट. ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ द टोटल लाइटनिंग दैट हैपन्स इन अ थंडरस्टॉर्म इट रीचेस टू द अर्थ. सो बेसिकली 1/5 or 1/4 ऑफ द लाइटनिंग जो अर्थ को स्ट्राइक करती है टोटल लाइटनिंग में से, बाकी क्या होगी आपकी इंट्रा क्लाउड होगी या इंटर क्लाउड होगी, राइट. सेकेंड चीज, जो भी अर्थ के ऊपर ट्रीज होंगे या जो भी पोल होगा, वाई लाइट मूव टूवर्ड्स दैट, इसका भी एक सिंपल सा फिनोमिना है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था. तो वहां पे लाइट को ट्रैवल करने में दिक्कत होती है. लाइट इज ट्राइंग टू फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रैवल. सो व्हेनेवर जहां पे भी अर्थ से थोड़ा सा भी ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा थोड़ी सी भी हाइट पे, द लाइट ट्राइज टू बेंड टूवर्ड्स दैट. जो इलेक्ट्रिसिटी यहां से लाइटनिंग हो रही है
इट ट्राइज टू बेंड टुवर्ड्स दैट। इसीलिए जो लोग ट्रीज के नीचे खड़े होते हैं और आइसोलेटेड एरिया में, मान लो कोई सिंगल ट्री और आप उसके नीचे खड़े हो गए, देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग हिट बाय अ लाइटनिंग। सिमिलर वे अगर आप किसी पोल के नीचे खड़े हो गए या किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस बिल्डिंग पे लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी। इसीलिए हम लोग बिल्डिंग्स पे लाइटनिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाते हैं। उसमें क्या होता है, एक हम मेटलिक रॉड लगा देते हैं, लाइटनिंग सीधा यहाँ आती है, वो इसे अब्जॉर्व करके इट इज द ग्राउंडेड और वो उसे अर्थ में डिसेमिनेट कर देती है, राइट। सो दिस इज द टोटल सिस्टम और द जियो फिजिकल फिनोमेना, हाउ लाइटनिंग हैपन्स एंड हाउ इट स्ट्राइक्स द अर्थ एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द अर्थ, राइट। सो आई शो यू सम स्लाइड्स ओवर हियर। सो दिस इज द डेटा दैट दे हैव पब्लिश्ड। Then this is the mechanism which we have already talked about. In this you can read the complete mechanism that I have already taught you over here. And this is the three kind of different kind of lightnings. So I hope aapka ye topic clear ho gaya hoga. It's a probable topic for mains and as well as pre. So let's hope ki kabhi na kabhi ye aaye aur aap logo ko is video ko dekhne ka fayda ho. Thank you very much. See you again. Bye.